हाँ जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक और बेहतरीन होगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसको मैंने देखा और देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बॉलीवुड प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ऐसी गलतियाँ हमसे क्या हो गई जो तुम हमको इतनी सजा पर सजा दिए जा रहे हो। तो देखो भाई साहब, ऐसा है ना, इस ट्रेलर में क्या है उसकी बात करना तो बेकार है, क्योंकि ये मूवी जो है वापस से रीमेक हो रही है, और वैसे ये रिलीज हो रही है 18 मार्च जो कि होली है। वैसे तो इन लोगों ने डर करके पहले ही अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी, क्योंकि वैसे भी KGF से पंगा लेना इतना आसान थोड़ी ना है। लेकिन अगर बात करें ट्रेलर की, ट्रेलर काफ़ी फीका और काफ़ी बकवास है। वैसे अक्षय कुमार की मूवियाँ काफ़ी हिट जाती हैं, लेकिन कुछ ही मामलों में, लाइक जब स्टोरी वगैरह कुछ बढ़िया रहती है और कुछ पर्सनल स्टोरी रहती है तब। यहाँ पे तो भाई सब सेम है, वापस से रीमेक है, जो कि एक जिगर ठंडा फिल्म थी उसकी रीमेक थी, और जिगर ठंडा भी किसी की रीमेक थी, लेकिन उसकी सेम रीमेक यहाँ पे डाली गई है जिगर ठंडा की। अक्षय कुमार की मूवी जो है ये 18 मार्च को रिलीज तो हो रही है, लेकिन उसका और भी सामना होगा कुछ और मूवीज से, जहाँ पे देखते हैं कौन उसमें जीतता है। अब अगर बात करें इस ट्रेलर की, तो इसमें आपको दिख जाएंगे अर्शद वारसी, कीर्ति सेनन और पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, सब कुछ है। अगर देखा जाए तो इसमें क्राइम है, एक्शन है और प्लस कॉमेडी है। कॉमेडी शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें अर्शद वारसी हैं और पंकज त्रिपाठी हैं, तो उनके कहीं ना कहीं कुछ जो डायलॉग्स होंगे वो आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसा जरूर देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें और सारी चीज़ों पे, तो डेफिनेटली कुछ होने वाला नहीं है। जो दिखाया गया है अक्षय कुमार का रोल, ठीक है, एक जहाँ पे उनकी एक आँख में पत्थर वत्थर लगा करके उनको बनाया गया है कि थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए, थोड़ा सा डरावना लुक थोड़ा बहुत उसमें है, लेकिन अदरवाइज कुछ खास नहीं। और अगर बात करें जो पूरी एक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है ट्रेलर की, वो भी ठीक है। तो ट्रेलर में देखो दिखाया क्या जा रहा है कि ये कीर्ति सेनन और अर्शद वारसी चाहते हैं बच्चन पांडे पे एक मूवी बनाना। अब बच्चन पांडे पे मूवी बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो कीर्ति सेनन जो अर्शद वारसी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि बच्चन पांडे से मिलवाओ और क्या कहते हैं उनके ऊपर मूवी बनानी है। लेकिन होता क्या है कि अर्शद वारसी मना करते हैं कि भाई वो किलर है, मारेगा ये वो, तो इसी वजह से मना करता है। लेकिन फिर कीर्ति सेनन काफ़ी मनाती हैं और उसके बाद वो अर्शद वारसी उनको लेकर के जाते हैं अर्शद वारसी। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जो भी डायलॉग वगैरह यूज किए गए हैं वो काफ़ी घटिया हैं, सच बताऊं तो काफ़ी घटिया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको पसंद आए, अच्छा लगे। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी का रोल है वो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, साथ साथ जो एक दो करेक्टर्स और हैं जिनकी कॉमेडी काफ़ी फेमस है, उनके रोल थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज सारे के सारे रोल ऐसे ही हैं, क्योंकि जो कॉमेडी करेक्टर्स के लिए डाले गए ना कॉमेडी करने के लिए, लाइक पंकज त्रिपाठी, अर्शद वारसी, ये लोग ही जो अपने अपने सीन को थोड़ा बहुत बना पाएंगे। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इस मूवी में कुछ और खास देखने को मिलेगा। वैसे भी बॉलीवुड वाले हमें शायद छोड़ेंगे नहीं, ये हमको दिखाने आए हैं केवल रिमेक ही, और हमको रोज रिमेक ही दिखाएंगे, और इनसे हमारी पता नहीं क्या दुश्मनी है कि हमको रिमेक दिखा के ही मारना चाहते हैं। ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी बकवास है, समझ में जितना आना चाहिए वो हमको आ चुका है कि स्टोरी क्या होने वाली है। स्टोरी सेम यही होने वाली है कि बच्चन पांडे के ऊपर मूवी बनाने वाले हैं कीर्ति सेनन और अर्शद वारसी मिलकर के, तो उनके पीछे वो लोग गए हैं और उनकी बायोग्राफी देखेंगे कि लाइक वो क्या मार रहे हैं, 70 लोगों को मार चुके हैं, ऐसे मार चुके हैं, मज़ा आने लगा, सब यही सेम है। तो इसके अलावा कुछ खास नहीं है ट्रेलर में। अगर आपको अच्छा लगा ट्रेलर तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। ओवरऑल ये काफ़ी बकवास और मतलब कह सकते हैं कि हमको ये रीमेक दिखा करके मारने वाले हैं। अरे रीमेक ही बनाना तो किसी ढंग की मूवी का बना लो यार, लाइक पुष्पा वगैरह का ही बना लो, चलो ठीक है। लेकिन अब ये ऐसी मूवी उठा रहे हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी बकवास था, मेरी तरफ से इसे कोई मार्क्स नहीं है ट्रेलर में। और बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन मेरा इतना घटिया था, डायलॉग सारे ऐसे दिए गए अक्षय कुमार को कि इसे लगता है कि यार कोई बच्चे के डायलॉग हैं, कोई हाइप नहीं है, कोई हाइप नहीं क्रिएट कर पाए, कोई मज़ा नहीं है ट्रेलर में। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, थोड़े बहुत कॉमेडी पंच अच्छे हैं, लाइक जहाँ पे पंकज त्रिपाठी का जो पैर छू रहे हैं वो अक्षय कुमार, वो भी किस तरीके से छू रहे हैं ये भी उठाया गया है। मेमे वगैरह जो आते हैं रोज इंटरनेट पर गाँव वगैरह के, जो लाइक जो पैर छूने का तरीका है कि हल्का सा झुके और छू लिए, तो बस वही वाला हाल है यहाँ पर, और कुछ खास है नहीं। थोड़ा बहुत कॉमेडी वही सब डालेगा, अदरवाइज कुछ है नहीं। सारी चीज़ें उठाई गई हैं बाहर से, कुछ भी इनका ओरिजिनल नहीं है, तो सब कुछ तहस नहस कर दिए हैं, कुछ नहीं बचा है। पूरी स्टोरी खुली हुई है कि मूवी में है क्या, कोई भी सस्पेंस नहीं है। तो बस मेरे तरफ से इसको यही है कि 0 मार्क्स हैं, और आई होप ये सब सुधरे,
कुछ बेहतर ला करके दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ला करके देंगे ना तो ज़्यादा दिन मार्केट में टिकेंगे नहीं। बस वैसे तो सुनाई पड़ता है कि अक्षय कुमार सुबह को 4 बजे उठ करके सारा काम करते हैं, हम तो सुबह 10 बजे उठ करके भी खुशी खुशी काम कर लेते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठ करके अगर ऐसा ही रीमेक वाला काम करना है तो भाई मत ही करो, कोई ढंग का काम कर लो इससे अच्छा, ऐसे काम मत करो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा ट्रेलर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगी आप जरूर बताइएगा। मैं मिलता रहता हूँ रोज़ ऐसे ही नई नई बातों के साथ में। अगर हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर लेना। सिंपल सा amar.reviews डालोगे तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।